स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जब मैं उनको भोजन देता हूं तब वो मुझे एक साधु कहते हैं, लेकिन जब मैं ये पूछता हूं कि उनके पास भोजन क्यों नहीं है तब वो मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए चलिए आज आपको एक दूसरी दुनिया में ले चलते हैं। यहाँ आप एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जिसमें कोई क्लास, कोई डिवीजन, कोई ऊंच नीच या कोई अमीर गरीब ना हो, जिसमें धर्म को लेकर कोई लड़ाई ना हो, जिसमें हर इंसान बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे से एकदम बराबर हो, जिसमें कोई स्टेट, कोई राजा या कोई रूलर ना हो, जिसमें कोई बॉर्डर्स, बाउंड्रीज या डिविजन्स ना हो। एक ऐसा समाज जहां सब कुछ जनता के द्वारा ही शासित किया जाए, जिसकी इकॉनमी बिना पैसों के रन की जाए, यानी एक ऐसा समाज जो स्टेटलेस, कैशलेस और मनीलेस हो। सुनने में ये सब कितना सुनहरा और एक सपनों की दुनिया जैसा लगता है ना, और लगे भी क्यों ना, आखिर कम्युनिज्म की विचारधारा के ये कोर प्रिंसिपल्स हैं ही इतने आइडियल। लेकिन सुनने में ये प्रिंसिपल्स भले ही कितने अट्रैक्टिव लगें, ये तब तक किसी काम के नहीं जब तक ह्यूमन कम्युनिटी इनको अपनी असल जिंदगी में लागू ना कर पाए। ऐसी ही कुछ कहानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की भी रही है। सुनने और पढ़ने में इसने दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स और रिवोल्यूशनरीज को अट्रैक्ट किया, लेकिन जब बाद 20वीं और 21वीं शताब्दी में इसके इम्प्लीमेंटेशन की आई तो इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस हाथ नहीं लगी। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट स्टेट यानी यूएसएसआर 1991 में पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। यानी इतनी रैशनल आइडियोलॉजी होने के बावजूद जब इसकी प्रैक्टिकल रियलिटी देखी गई तो चीज़ें बहुत अलग नज़र आईं। आज भी दुनिया में इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले गिने चुने 5-6 देश ही दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि जैसे समाज की कल्पना या आइडियोलॉजी करती है वो असल में मुमकिन नहीं है। आज के वीडियो में हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, इसकी क्या जर्नी रही है, इसके मेजर एलिमेंट्स क्या हैं, आज के वीडियो में इन बेसिक मुद्दों पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस GS1 और PSIR ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है, बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ hours का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14th of September इवनिंग 6 PM से होंगी, तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे ये कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस आइडियोलॉजी के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से। दोस्तों, आज जब हम कम्युनिज्म की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग में इतिहास के जाने माने फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का नाम आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम्युनिज्म को ग्लोबल स्केल पर एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट और प्रमोट करने का क्रेडिट बड़े लेवल पर मार्क्स के वर्क को ही जाता है, लेकिन असल में इस आइडियोलॉजी के रूट्स मार्क्स से कई सदियों पहले ट्रेस की जा सकते हैं। जी हाँ, भले ही इस टर्म यानी कम्युनिज्म का यूज 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बाद पॉपुलर हुआ हो, लेकिन कम्युनिस्ट सोसाइटीज के बारे में फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी प्लेटो ने 4th century में ही लिख दिया था। प्लेटो दो तरह के कम्युनिज्म की बात करते थे, पहला कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली यानी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन। अपने लैंडमार्क वर्क रिपब्लिक में प्लेटो एक आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां रूलिंग क्लास यानी किंग और सोल्जर्स पूरे समाज की जरूरतों का ध्यान रखें
और इसके लिए उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली को एबॉलिश करना होगा। प्लेटो के मुताबिक ये दोनों चीज़ें रूलिंग क्लास के पास होना पूरे समाज के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये रूलिंग क्लास को उनकी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये उनको सेल्फ सीकिंग, ग्रीडी और करप्ट बना सकती हैं। इसीलिए उनको अपनी प्रॉपर्टी और फैमिली की प्राइवेट ओनरशिप को त्यागना होगा और पूरी रूलिंग कम्युनिटी को एक लार्ज फैमिली की तरह ऑपरेट करना होगा, जहां प्रॉपर्टी, वाइव्स और चिल्ड्रन पर कम्युनिटी का बराबर हक होगा। तो प्लेटो के इसी रेडिकल थॉट की वजह से उनको फर्स्ट कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, उसके अलावा रिलीजन में भी कम्युनिज्म की कई अर्ली फॉर्म्स को इंस्पायर किया। उदाहरण के लिए एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के मुताबिक अर्ली क्रिश्चियंस एक सिंपल तरह के कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करते थे, जिससे वो आपस में एकता बना सकें। ये लोग चर्च की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे। उसी तरह कई अर्ली मोनास्टिक सोसाइटीज़ में भी मॉन्क्स अपने सभी पर्सनल गुड्स को आपस में और गरीबों के साथ बांटने का प्रण लेते थे। 1516 में अपने जाने माने वर्क यूटोपिया में इंग्लिश स्टेट्समैन सर थॉमस मोर ने भी एक ऐसी इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी की बात की, जहां पर मनी एबॉलिश कर दिया जाए और लोग आपस में फूड, शेल्टर और बाकी सभी चीज़ें शेयर करें। दोस्तों, अगर हम अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ पे गौर करें, जो कि एक ट्राइबल लाइफस्टाइल के साथ रहती थी, वहाँ पर भी हमें कम्युनिज्म देखने को मिलता था। तब उन कम्युनिटीज़ में कोई स्टेट, कंट्री, मनी या फिर प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ये लोग एक साथ खाते पीते और रहते थे और अपना कलेक्टिव लाइवलीहुड सस्टेन किया करते थे। उनके लाइफस्टाइल को प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हुई अर्ली कम्युनिस्ट फिलॉसफीज की। लेकिन जिस कॉन्टेम्प्रेरी कम्युनिज्म का जिक्र हम आज की सोसाइटीज़ में करते हैं, उसका जन्म लेट 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कोख में हुआ था। वेस्टर्न यूरोप में जाने माने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कुछ लोगों को बेशुमार वेल्थ इकट्ठा करने का मौका दिया, और वो ये एक लाचार वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन के जरिए करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हजारों वर्कर्स इनटॉलरेबल कंडीशन में घंटों घंटों काम किया करते थे। उनको इस मेहनत का जरा सा भी फल नहीं मिलता था। सारा प्रॉफिट इन इंडस्ट्रीज के ओनर्स अपनी वेल्थ को एक्युमुलेट करने में यूज किया करते थे। कार्ल मार्क्स भी इसी दौर में पले बढ़े। वो देख रहे थे कि किस तरह उनका समाज वेल्थी इंडस्ट्रियल क्लास यानी बोर्जुआ और वर्किंग क्लास यानी प्रोलेटेरिएट इन दो क्लासेस में बढ़ चुका है। ये क्लास सिस्टम लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करता था। पॉवर्टी, डिजीजेस और एक्सप्लॉयटेशन ने वर्किंग की हालत को बैड से बदतर कर दिया था। इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए 1848 में कार्ल मार्क्स ने अपने इकोनॉमिस्ट फ्रेंड फ्रेडरिच एंग्लिस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। इसमें उन्होंने कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके कम्युनिज्म की स्थापना करने की बात की। कार्ल मार्क्स ने इसमें बताया कि समाज में बढ़ रही इनकम इनइक्वालिटी क्लास स्ट्रगल्स को जन्म देगी और इन्हीं स्ट्रगल्स के परिणाम स्वरूप एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जन्म लेगी। यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या स्टेट नहीं होगा। समाज के सभी संसाधन सभी लोगों के हाथ में होंगे। सब लोग एक समान इक्वल होंगे। कोई भी रिच या पुअर नहीं होगा। किसी के पास कोई इनहेरिटेड यानी पूर्वजों का पैसा नहीं होगा। ये एक लार्ज स्टेटलेस कम्युनिटी की तरह ऑपरेट करेगी। तो दोस्तों, अपने इसी आइडिया की वजह से कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म का गॉडफादर भी कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि इस आइडियोलॉजी को एक असल कम्युनिस्ट स्टेट में कैसे अप्लाई करना है, इस पर उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं किया, और इसी कारण इस आइडियोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार रशियन रिवॉल्यूशनरी व्लादिमिर लेनिन ने मार्क्स के आइडियाज़ को सोवियत रशिया में अप्लाई करने की कोशिश की। 1917 में हुए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में रशियन वर्कर्स मिलकर अपने राजा यानी जार को गद्दी से हटा देते हैं। 1922 में व्लादिमिर लेनिन के अंदर दुनिया के पहले कम्युनिस्ट स्टेट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई। व्लादिमिर लेनिन ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हुए इसमें वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके थ्रू उन्होंने देश में लोगों के कलेक्टिव रूल को स्थापित करने की कोशिश की। इस पार्टी को जनता का मसीहा बताया गया। यहाँ पर वर्किंग कम्युनिटी के राइट्स और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की भी कोशिश की गई। लैंड और फैक्ट्रीज को बड़े लेवल पर नेशनलाइज किया गया। गरीब किसानों को फार्मिंग के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लोगों को फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर भी दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि लेनिन को ज़रा भी ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ का मुंह बंद कर यूएसएसआर को वन पार्टी स्टेट में तब्दील कर दिया।
लेनिन के इस मॉडल को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी का नाम दिया गया। इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम CPIML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लेनिन के इसी मॉडल को अडॉप्ट करती है। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के कई फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह खुद लेनिन के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। जब भगत सिंह जी से उनकी फांसी के कुछ समय पहले उनकी लास्ट विश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की रीडिंग्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। भगत सिंह खुद को एक बोल्शेविक बताते थे और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना अपना मुख्य मकसद मानते थे। खैर USSR में 1930s तक आते आते लेनिन के रिलेटिवली मॉडरेट कम्युनिज्म को जोसेफ स्टालिन के एक्सट्रीम कम्युनिज्म द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। इनके अंडर रशियन सोसाइटी पर गवर्नमेंट का एक एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया गया। फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाने के लिए वर्कर्स और फार्मर्स को और भी ज़्यादा बदतर कंडीशंस में काम करने के लिए फोर्स किया गया। लाखों लोगों को स्टालिन की अजीबोगरीब पॉलिसीज की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। अगर आप स्टालिन के रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। खैर जोसेफ स्टालिन और उनके सक्सेसर निकिता क्रुशेव के अंडर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में हर डिसेंट को ख़त्म कर दिया और सोवियत इकोनॉमी के मेन इंजन्स जैसे कि एग्रीकल्चर, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अपने हाथों में ले लिया। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल के 5-ईयर प्लान्स के जरिए इंडस्ट्रियल और मिलिट्री प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन इस वजह से वहां पर कंज्यूमर गुड्स का अंडर प्रोडक्शन देखने को मिला। कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत वीक हो गई। इन शॉर्टेजेस की वजह से देश में करप्शन और ऑपरेशन बढ़ता चला गया। 1990s तक आते आते USSR के लोगों का डिसेंट इस सिस्टम के खिलाफ अपनी पीक पर पहुंच गया और फाइनली मिखाइल गोर्बाशेव के फ्री मार्केट रिफॉर्म्स के साथ दुनिया का पहला और सबसे स्ट्रांग कम्युनिस्ट स्टेट कई टुकड़ों में बिखर गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आइडियोलॉजी की जर्नी कई सदियों पहले शुरू हुई और कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक USSR के डिसइंटीग्रेशन के साथ आप कह सकते हैं कि चाइना भी तो एक पावरफुल कम्युनिस्ट कंट्री है ना। जी हाँ, आपकी बात एकदम सही है। 1949 में माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई और इसी के साथ चाइना USSR के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्टेट बन गया। लेकिन एक्यूट वायलेंस, डेप्रिवेशन और आयरन रूल की वजह से माओ की रेजिम की तुलना भी USSR के डिक्टेटर स्टालिन से की जाने लगी। चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट करने के लिए माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाने के बजाय इस प्रोग्राम ने चाइना में एक भयानक फेमीन को जन्म दिया जिसमें 15 से 45 मिलियन लोग मारे गए। 1966 में लॉन्च किए गए कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान माओ ने एक बार फिर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि माओ के इस स्ट्रिक्ट और वायलेंट कम्युनिज्म को माओइज्म के नाम से जाना जाता है। माओइज्म का इन्फ्लुएंस हमने इंडिया के रेड कॉरिडोर में फैले हुए नक्सलिज्म के रूप में देखने को मिलता है जो खुद को माओवादी या माओइस्ट कहते हैं। खैर जिस सक्सेसफुल चाइना की बात आज हम करते हैं उसकी नींव डेंग जियाओपिंग के द्वारा लाए गए मार्केट रिफॉर्म्स के द्वारा रखी गई जिसके तहत चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म के फ्री मार्केट एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना को भी एक प्योर कम्युनिस्ट स्टेट शायद नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम क्यूबा की बात करें तो 1965 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एस्टैब्लिश की गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा क्यूबा की एकमात्र पार्टी रही है। 1992 में रिवाइज किए गए क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्टी को क्यूबा की वैनगार्ड पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पर भी कम्युनिज्म के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट स्टैंड को फॉलो किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो क्यूबा फिदेल कास्त्रो के आने से पहले वेस्टर्न हेमिस्फीयर की वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्री हुआ करता था वो आज इकोनॉमिक फ्रीडम के केस में दुनिया में 175th रैंक पर आती है। पैंडमिक के दौरान जुलाई 2021 में क्यूबन कम्युनिज्म को एक बड़े लेवल पर अटैक किया गया। यहाँ हजारों की तादाद में क्यूबन प्रोटेस्टर्स फूड, मेडिसिन और एनर्जी की शॉर्टेजेस के चलते सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन इन प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने बुरी तरह कर्ब कर दिया। उसी तरह अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलर रॉबर्ट सर्विस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसी मॉडर्न कंट्री है जो मार्क्स के कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को क्लोजली फॉलो करती है।
यहाँ पर कम्युनिज्म के एक इंडिजिनस वेरिएंट ज्यूशे को अप्लाई किया जाता है। ज्यूशे यानी खुद को इतना सेल्फ रिलायंट बना लिया जाए कि वो देश बाकी दुनिया से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाए, और इसको अकम्प्लिश करने की जिम्मेदारी लोगों के बिहाफ पर उनकी गवर्नमेंट की होती है। इसी कारण नॉर्थ कोरिया को सबसे आइसोलेटिव और सिलेक्टिव कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन अपने लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के बजाय ये कंट्री अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। किम जोंग उन के अंडर नॉर्थ कोरिया आज एक टोटेलिटेरियन डिक्टेटरशिप बन चुका है। वहाँ न्यूज़ से लेकर इंटरनेट तक सब गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ लोगों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने तक की भी आज़ादी नहीं है। लेकिन दोस्तों, रशिया, चाइना, क्यूबा या नॉर्थ कोरिया में जो भी हुआ हो, पर कम्युनिज्म जैसी इतनी पावरफुल आइडियोलॉजी यूं ही ख़त्म नहीं करी जा सकती। इसको समझने के लिए हमें कम्युनिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर जोर डालना होगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यूं तो अब तक आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक बेसिक आइडिया मिल ही चुका होगा। हालांकि ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज ने इसको अप्लाई करते वक्त अपने खुद के मॉडिफिकेशंस किए और कम्युनिज्म के अलग अलग मॉडल्स को डेवलप किया, जिसमें से कई तो उस आइडियोलॉजी को मार्क्स के ओरिजिनल प्रिंसिपल से बहुत दूर खींच कर ले गए। लेकिन अगर उन सभी के बेसिक आइडिया को एक लाइन में समअप किया जाए तो उस आइडियोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और वो है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। यानी जिसकी जितनी काबिलियत है वो उस हिसाब से काम करेगा, और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उसी हिसाब से फल मिलेगा। और इसके लिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सोसाइटी में कुछ मेन एलिमेंट्स की बात करती है। पहला है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, जैसा कि हम देख ही चुके हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है। ऐसे समाज में प्रोडक्शन के सभी संसाधन, जैसे कि फैक्ट्रीज, फार्म्स, लैंड, माइंस, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम्स, लोगों की कम्युनिटी के हाथ में होते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई जगह नहीं होती है। एक प्योरली कम्युनिस्ट स्टेट में सिटीजन्स को केवल उतना ही ओन करने का अधिकार है जितनी उसकी लाइफ की नीड है। साथ ही ये इनहेरिटेड वेल्थ को भी एबॉलिश करता है। यानी सोसाइटी में कोई भी इंसान अपने पूर्वजों की वेल्थ के दम पर समाज के बाकी लोगों से ज्यादा रिच ना हो। आज के जमाने में हमें कई कंट्रीज में इनहेरिटेंस टैक्स देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं मार्क्स के प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड है। दोस्तों, उसके अलावा ये आइडियोलॉजी एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करती है। यानी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सभी डिसीजंस एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा दिए जाएं। ज्यादातर कम्युनिस्ट स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट इस रोल को अदा करती हैं। पॉलिटिकल टर्म्स में ये आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करती हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम के बेस पर लिए गए पॉलिटिकल डिसीजंस पार्टी के सभी मेंबर्स और देश की पूरी जनता पर एक साथ लागू होते हैं। इसके बाद इस आइडियोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ताकि कम्युनिटी के किसी भी इंसान के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव मुमकिन ना हो। हर इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से फल मिलना इनकम से जनरेट होने वाली इनइक्वालिटी को ख़त्म कर देता है। ये आइडियोलॉजी प्रॉफिट, इनकम इनइक्वालिटी और सोशो इकोनॉमिक क्लास फ्रिक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करके वेल्थ को जस्ट और फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करती है। तो दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि कम्युनिज्म एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है, जिसके कई अलग अलग वर्जन्स अलग अलग तरीके से सोसाइटी में अप्लाई किए जा चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस किए, उससे ये साफ हो जाता है कि जिस ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मार्क्स द्वारा प्रपोज किया गया था, वो असल में कभी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाई। हालांकि 1985 में दुनिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन कम्युनिज्म के अंडर रह रही थी, लेकिन शायद इनमें से कोई भी देश ट्रूली कम्युनिस्ट नहीं था। उदाहरण के तौर पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी स्टेट और गवर्नमेंट को एबॉलिश कर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर्स के रूल की बात करती है। लेकिन ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज इस बेसिक प्रिंसिपल से भटक कर स्टेट के अथॉरिटेरियन रूल को प्रमोट करती रहीं, जो सिस्टम के डिक्लाइन का एक अहम कारण बन गया। आज दुनिया के केवल 5 देश यानी चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा और वियतनाम खुद को ऑफिशियली कम्युनिस्ट बुलाते हैं, और वो केवल इसीलिए क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल है। लेकिन इनमें से किसी में भी पर्सनल प्रॉपर्टी, मनी या फिर सोशियो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम्स को एबॉलिश नहीं किया गया। इसके अलावा इस सिस्टम में दिक्कत है कि यहाँ वर्कर्स के पास ज़्यादा या बेहतर काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता।
हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से मिल ही जाता है। प्रॉफिट के इंसेंटिव की अब्सेंस में ऐसे समाज में कंपटीशन, इनोवेशन या ग्रोथ को जगह नहीं मिल पाती है। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम जहां सब इक्वल हो, वहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि समाज में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसको रूल कौन करेगा। कम्युनिज्म में ये पावर कलेक्टिवली लोगों को दी गई है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पावर अक्सर लोगों को रिप्रेजेंट कर रही पार्टी और उसके डिक्टेटर के हाथ में चली जाती है। इसीलिए अभी तक जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हुई हैं उन सब में एक अथॉरिटेरियन रूल देखने को मिला ही मिला है। तो दोस्तों, ये मार्क्स की फिलॉसफी की कुछ इनहेरेंट वीकनेस हैं, जिसकी वजह से इस आइडियोलॉजी का प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन इतना मुश्किल हो जाता है। अगर इन बेसिक वीकनेसेस पर काम किया जाए तो शायद आने वाले समय में इस आइडियोलॉजी को एक बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पर क्या इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है भी या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर फिलहाल के लिए अपने कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर किए गए इस डिस्कशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आगे चल के आप सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जैसी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज पर भी डिटेल्ड वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के पहले भाग में जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई डिड कम्युनिज्म फेल एज अ पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब? Critically analyze. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई affordable.